आज जो रेसिपी बनाएंगे वो है दही बड़े। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। दाल माश 1 कप, दही 500 से 700 ग्राम, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, सुर्ख मिर्च पाउडर हसबे ज़रूरत, नमक हसबे ज़ायका, चाट मसाला 1.5 चाय का चम्मच, दही 1/4 कप, साबुत लाल मिर्च 6 अदद, कटी हुई सब्ज मिर्च 2 अदद, लहसुन 3 से 4 जवे कटे हुए, अदरक का 1 छोटा सा टुकड़ा कटा हुआ, कटा हुआ हरा धनिया थोड़ा सा। डीप फ्राई करने के लिए ऑयल, पानी 1 ग्लास, हरी चटनी और इमली की खट्टी मीठी चटनी सर्व करने के लिए। आइए अब दही बड़े बनाने का तरीका देखते हैं। दाल माश कम से कम 4 से 6 घंटे पहले भिगोएं और इसको पीसते वक्त इसके अंदर मौजूद थोड़ा पानी रहने दें। अब भीगी हुई दाल को ब्लेंडर में डाल दें। अब इसमें लहसुन, अदरक, साबुत लाल मिर्च, हरी मिर्च, हरा धनिया, गरम मसाला पाउडर, और नमक शामिल करके इनको बारीक पीस लें। इस मिक्सचर को एक प्याले में निकाल लें। अब इस मिक्सचर को अच्छी तरह फेंटें ताकि इसमें हवा भर जाए, जिससे बड़े नरम बनेंगे। अब ऑयल को दरमियानी हल्की आंच पर गरम कर लें। अब दाल का मिक्सचर थोड़ा थोड़ा गरम तेल में डालें। हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। फ्राई करने के बाद इन्हें किचन टॉवल पर निकाल लें। बड़ों को 10 मिनट तक ठंडा होने के लिए रख दें। ठंडा होने के बाद बड़ों को डार्क गोल्डन ब्राउन होने तक दोबारा फ्राई करें। इनको किचन टॉवल पर निकालकर ठंडा होने के लिए रख दें। इसी दौरान 1/4 कप दही में 1 ग्लास पानी डालकर ब्लेंड कर लें और मिक्सचर तैयार कर लें। बड़े साइज के बोल में इस मिक्सचर को निकाल दें। जो बड़े हमने ठंडे होने के लिए रख दिए थे उनको इस मिक्सचर में डाल लें और उन्हें कुछ देर के लिए भीगने के लिए रख दें। अब बड़ों को हथेली पर रखकर दबाएं और फालतू मिक्सचर निकाल दें। बड़ों को एक सर्विंग डिश में सेट कर लें। दही में चाट मसाला और नमक डालकर फेंट लें। जो दही हमने अभी तैयार किया है उसको बड़ों के ऊपर डाल दें।
दही के ऊपर हरी चटनी और इमली की खट्टी मीठी चटनी डाल दें। आखिर में चाट मसाला और सुर्ख मिर्च पाउडर छिड़क दें। मजेदार दही बड़े या दही भले तैयार हैं। हरी चटनी और इमली की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं।